everyone. Hello, Udamases. This is Aloni. And this is Shweta. And we are from Ed Sacred International. So, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है because it is all about the body sound. Yes. और body sound से मेरा मतलब है जैसे कि और जैसे कि अच्छा कुछ ऐसा. So, ये सारी चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यही हम आज आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं. So, stay tuned to this channel. और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, so go and subscribe the channel. Yes. And like this video and also share this with all your friends. ताकि जिन जिन लोगों को ये चीजें नहीं पता वो भी इन चीजों को जान सके. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डू. यस, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? व्हाट वाज इट? आई एम जस्ट डूइंग नथिंग. आई एम जस्ट प्लेइंग विद माय टंग. इट्स नो, दैट्स क्लिकिंग विद द टंग. प्लेइंग विद द टंग? या कैसे? इट इज जस्ट अ टाइम पास. व्हेनेवर यू वांट टू डू अ टाइम पास एंड यू हैव रियली डोंट हैव एनीथिंग टू डू, यू play with your tongue by doing it. I also want to do. Yeah. Tell me how. Yeah, you can do like it. Oh. It is so known as clicking with the tongue. Clicking the with tongue. The tongue. The clicking the tongue. Try Christine. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Yeah, क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? I was doing gargle actually because my dadi recommended कि जब गला खराब होता है तो gargle दरारे करने चाहिए. But that's fine. But यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्यों कब meeting? I was about to give an example to our two my viewers कि इस तरीके से गागल किया जाता है. गागल जैसे मुझे किया जाता हो but washroom में जाके करें. I mean here. No, I just wanted to tell to my viewers that गरारे को गरारों को English में क्या बोला जाता है. So चलो हम उनको बता ही देते हैं क्या बोला जाता है. बता दे, हम अपने कंट्रोल ये है. It's known as गागल. GARGLE. गागल. गरारों को गागल और ये वॉशरूम में. क्या खा रहे हो यहाँ बैठे? ला मुझे भी तो थोड़ा सा. मुझे भी दो. क्या खा रहे हो आप? आपको भी देती हूँ. थैंक यू. क्या खाते रहते हो बच्चों वाली चीजें? हमें भी दे दिया करो कभी कभी. तो नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? नेक्स्ट तो वर्ड अभी तक तो आई थिंक सोचा नहीं है. और मिर्ची है इसमें. ओह रियली? हैव दिस वाटर. मुझे तो मिर्ची नहीं लग रही. अरे ये आप कैसे पी रहे हैं? ऐसे तो मोस्टली लोग चाय पीते हैं, पानी पी रहे हैं जैसे. हाँ बिल्कुल ऐसे ही. आई थिंक आप सब लोगों में से भी ऐसे कुछ लोग चाय ही पीते होंगे. सेम आंसर क्या है? चलो आप सबको ये बता दें कि इसको एक्चुअली रुके, मुझे ना चाय मिली थी डेमोंस्ट्रेट करने के लिए, पानी से डेमोंस्ट्रेट करना पड़ता है. चलो आपको ये बता दें कि इस अंदाज में पीने को क्या बोला जाता है. इसको बोला जाता है स्लर. SLURP. आसमां है नीला कि पानी गीला, गीला क्यों गोल क्यों है जमीन, दुनिया में है रंग कि ना 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 ना. ये क्या था? ना 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 ना. इस ना 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 के लिए गाना याद दिया है, मुझे उसके लिरिक्स नहीं याद. बट मैंने तो आपके लिए कर दिया ना. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सो आप सबको लोगों को ये बता दें कि ये करना भी एक बॉडी साउंड होता है एंड इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लैप. CLAP क्लैप. मैम आपको पता है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने दांतों के साथ कुछ ऐसा करते हैं जैसा कि मैं आपको करके दिखाती हूँ. दे डू लाइक दिस. जस्ट लाइक दिस. Yes, just like this. आपको भी करके दिखाओ. Why? करते क्यों हो? ऐसे ही. Sometimes they feel anger, sometimes they feel irritated. So they usually do like this. Like this. See. Alright. Yes. Like in an anger. Yeah, in anger and in irritation. मतलब जब भी उन्हें गुस्सा आता तो वो कुछ इस तरह करते हैं. क्या हम भी करते हैं? Well, I don't. I also don't. But मैंने बहुत लोगों को ऐसा करते देखा है. Okay. And you know what it is called in English? It is called grind the teeth.
ग्राइंड करना, दांतों को किटकिटाना, जैसे कि ऐसे जैसे कि ग्राइंडिंग चलती है, ग्राइंडिंग करते हैं। यस यस ओके, सो क्या आप लोग ग्राइंड करते हैं? और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, डू यू आल्सो ग्राइंड इन एंगल? या श्वेता मैम, सी दिस इज सो ब्यूटीफुल, है ना, कितना अच्छा है ये। या दिस इज नाइस इट इज, बट सोनी मैम ये छोड़ो, मेरे को तो बहुत नींद आ रही है, आई जस्ट वांट टू स्लीप। अब आपको किस टाइम की नींद आ रही है वैसे? अरे समर्स हैव अप्रोच्ड एंड आफ्टरनून नैप तो बनता ही है ना। आपकी आफ्टरनून नैप के चक्कर में मैं क्या करूँगा? आप कुछ मत करो, आप मुझे ये दे दो, बिकॉज आई हैव टू स्लीप। मैं ये नहीं देने वाली। ओ गिव इट टू मी प्लीज, व्हाट शुड आई डू? बी योर एंटरटेनमेंट। सो वेल वी वरी, ओके सो जाए आप। वैसे हम क्या करें, आप क्या करना स्टार्ट कर दिया अब इन्होंने? कराटे ले रहे हैं ये। आपको पता है कराटे लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज स्नोर, एंड नाउ शी स्नोरिंग। अब ये कराटे ले रहे हैं। अच्छा सलोनी मैम, इनको अगला वर्ड कौन सा बताएं? अगला वर्ड वेट वेट वेट, आपको पता एक टाइम पे सिर्फ कई बार एक छींक ही नहीं आती, एक से ज्यादा भी, दो तीन, तीन से ज्यादा भी छींकें कई बार। आपकी बात से मुझे याद आया कि वंस आई वाज इन अ मीटिंग एंड उस टाइम पे मुझे दो तीन छींकें एक साथ आ गई। पता लोगों ने क्या सोचा? क्या सोचा? आप सोचो क्या सोचा होगा उन्होंने? अरे एक ही पल सोच सकते हैं, COVID-19। बिल्कुल, दे थॉट कि COVID-19, ओह माय गॉड, एंड यू नो व्हाट, अनफॉर्चूनेटली मुझे ही वहां से छोड़ के जाना पड़ा। बट आई डोंट थिंक सो, यू बिकेम द विक्टिम ऑफ COVID-19। एग्जैक्टली नॉट, या थैंक गॉड, या थैंक गॉड। बट अब आप मुझे ये बताएं कि इस छींकने को इंग्लिश में बोलते क्या है? छींक को बोला जाता है स्नीज, SNEEZE, sneeze. So that means कि मैंने अभी क्या किया था? Sneeze. Yes, I sneezed. शर्मा time कितना हो गया? Really feeling very sleepy. It's 9 o'clock at night. So I'm really feeling very sleepy. और कितने words और मैंने बताए? Because you know मुझे उबासी बहुत आ रही है। I know this is the last word, but हमारे viewers को भी part 2 का इंतजार करना पड़ेगा, because rest of the words are going to be explained in part 2. So चलिए अभी last word आपको बता देती हैं कि उबासी लेने को क्या बोला जाता है, क्योंकि उनको उबासी बहुत आ रही है। So उबासी लेने को बोला जाता है yawn, YAWN, yawn. So जब भी कोई आपके आसपास yawn करता है तो ऐसे करके ऐसे action करता है, बाकी की जो वर्ड्स है वी आर गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ओनली देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय एंड सी या, एंड यस डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम अकाउंट्स नेम इज इट्स ऑफिशियल श्वेता, एंड हर्स इज saloni.sahota.79। या सो बाय बाय, एंड वी आर कमिंग बैक विद अ न्यू लेसन एंड इंटरेस्टिंग वन एज वेल, सो डू सब्सक्राइब।